कान कान पढ़ो तनी, सीधा बैठो तनी सीधा, स्टूडेंट हो ना। चलो तो देखो, हम लोग पढ़े थे कुछ, आपको एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। द्रव में उसमें प्रसार, द्रव का मतलब होता है पानी। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बर्तन लेंगे और बर्तन में द्रव को रख देंगे और उसको गर्म करेंगे, तब केवल जो द्रव में प्रसार होगा उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को नापते हैं। बर्तन के प्रसार को नहीं नापते हैं, तो उसे द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। दो प्रकार का प्रसार होता है। अब दिखा कर क्या, लोटा उठा के पानी रख के समझ गए, बर्तन तो बर्तन समझ गए। अब एक होता है आपके पास द्रव में वास्तविक प्रसार, कांच के बर्तन लो उसमें पानी डाल दो तो उस बर्तन के प्रसार भी होगा, द्रव में ही प्रसार होता है। जब दोनों को नापते हैं तो इसे द्रव का वास्तविक प्रसार। अब यही ना, जैसे आप पढ़े थे ना ठोस में, उसमें प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। उसके बाद से रेखीय प्रसार, से रेखीय प्रसार गुणांक बना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बना, आयतन प्रसार गुणांक बना, तीसरे तरह से इसमें भी होगा। तो इसमें पहला आज का हेडिंग रहेगा आभासी प्रसार गुणांक। हेडिंग बना द्रव का आभासी प्रसार गुणांक नहीं लिखा गया, खाली आभासी प्रसार लिखा गया। हम लोग चक्रव्यूह में, हाँ, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक अंग्रेजी में कहते हैं का कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड और एप्रेमेंट, एप्रेमेंट एक्सप्रेशन लिख देना है, एक्सप्रेशन कुछ याद करो। सिंपल सी बात आपका रहेगा, द्रव का जब आभासी प्रसार कहेगा तो देखो ध्यान से, इसको लैम्डा ए से प्रदर्शित करते, नीचे लिखते हैं सूत्र, किससे, लैम्डा ए से, तो डेल्टा भी ए बटा में भी गुणे डेल्टा टी, समझ रहे हो। अब देखो आभासी का मतलब अंग्रेजी में एप्रियंट कहते, सीधा बैठो जी, अब जब अब यहाँ पर बोर्ड पर देखो डेल्टा भी का क्या कहते हैं, बताओ बताओ, पढ़ते तो डेल्टा भी को क्या कहोगे, इसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार। और जब ए लग जाएगा तो आयतन में आभासी प्रसार, भी को क्या कहते हैं, डेल्टा टी को क्या कहते हैं, ताप। अब क्या होगा कि जब किसी द्रव का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, मान लो ताप उसका 14 था 15 कर दीजिए, 15 था 16 कर दीजिए, 17 था 18 कर दीजिए, एक डिग्री बढ़ा दीजिए, तो निश्चित रूप से उसका आयतन में वृद्धि होगा। वो भी किसके, केवल द्रव के आयतन को नापेंगे, बर्तन के आयतन को नहीं नापेंगे। तो जब किसी द्रव का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि, एक मतलब एप्रेमेंट, और द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो हैजा खाली होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन बटा में तो प्रति डिग्री सेल्सियस। अब बीमा क्या होगा, थीटा पर माइनस वन, थीटा पर माइनस वन, याद हुआ, क्या बोलोगे इतने को बोल देता हूँ। लिखो कि जब किसी द्रव का, जल्दी से लिखो, पाँच बजने वाला, जब किसी द्रव का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में होने वाले आभासी वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, प्रारंभिक मतलब नीचे है, प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोलो, मात्रक
चंपा चमेली लगेलू वाला बेली वह मात्र के प्रति डिग्री सेल्सियस होता। बीमा बोलो बीमा। हाँ ओके, इनवर्स पढ़ा जाता है, सीखो, इंटर में आ गए हो, अब BHU में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, देश का नाम रोशन करोगे, कोरोना के मरीजों को ठीक करोगे, एड्स के रोगों को ठीक करोगे, डायबिटीज के मरीजों को ठीक करोगे, कितने लोगों को मौत से तुम लोग बचाओगे, यमराज से छीन कर ले कराओगे, और आज जिंदगी आपका। चलिए तो आपका होता है द्रव का उसमें प्रसार, ये गामा ए बराबर डेल्टा भी ए, भी एक मतलब होता है द्रव में आभासी प्रसार, ये को आभासी इसको कहेंगे आयतन में आभासी प्रसार, बी को कहेंगे प्रारंभिक आयतन, डेल्टा टी को कहेंगे ताप। जब कोई द्रव है उसे द्रव का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्र प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, इसका बीमा थीटा को माइनस वन होता है। कौन दिक्कत ना, कौन दिक्कत है मुझे। अब लिखो द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, मिटा दे इसको, मैं लिख देता हूं, बराबर कलम चलाओ और फास्ट चलाओ। अच्छा पता करिया करिया कलम करिया आते गाँव जी आ जाता है। नेक्स्ट 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 देखो द्रव का वास्तविक जल्दी से वास्तविक प्रसार गुणांक बताओ। इधर क्या लिख सकते हैं, गामा आर बटा में भी गुणा डेल्टा टी। जरा सोच के बताओ कि क्या इस सूत्र से अफजल क्या इस फार्मूला से तुम परिभाषा बना सकते हो। जब किसी द्रव का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि आयतन से मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, बीमा भी हो जाएगा थीटा माइनस वन। आर से का मतलब चलो लिखो, जब रियल है ना, आर का मतलब रियल, रियल माने वास्तविक। जीवन क्या है, वास्तविक है जीवन, प्यार करने के लिए दिल ना लिया, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। आप पढ़े भी थे द परफेक्ट ऑफ लाइफ में, जब 10 में पढ़ते थे तो आपको था अंग्रेजी में लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र में जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। चले आइए, जब किसी द्रव का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाले वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा आर से ये पढ़ाए सर जी नहीं अभी तक है, उतने पढ़ का वाला कहता हूँ। इसका मात्र प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, जब से पढ़ा तो उसको पाठ पढ़ा लो आज में, एक महीने से लिखे हो गया उनको पढ़ा के। इसका बीमा चीटा मैंने सुनो था, सूत्र लिख लो जल्दी से लिखो। एक और लास्ट हेडिंग बना लो, वास्तविक प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक में संबंधित। जल्दी से बहुत ही लंबा पाठ है।
चले चले और लिखो हेडिंग बना लो लास्ट आज का, द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक में संबंध। अभी न्यूमेरिकल जब पाठ समाप्त हो जाएगा तब हम लगाएंगे, ज़्यादा ही लगाएंगे। द्रव के ये कौना कलर का चल रहा है भाई, ये वास्तविक प्रसार गुणांक जिसको आप गामा आर कहते हैं तथा आभासी प्रसार गुणांक जिसको आप गामा ए कहते हैं। ये तो कोई आएगा, आ गए हैं, बोल गए थे आने के लिए, नहीं आएंगे तो कैसे जाओगे, साइकिल तो ले लेना, बोले तो फोन करके बोल देना, तो बात कर लो लो इसे, कुछ लोग बार आए कि नहीं कुछ आए हैं कि नहीं आए। हाँ तो ये होता है बाबू, लिख लो गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी। ए मत हंसो यार, सीधा बैठे इंसान का देखो पढ़ाया जाता है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, गामा ही पढ़ाया जाता है इसको, तो क्या हो गया गामा आर गामा ए गामा जी। तो पहले ये बता दो गामा आर को कहते कहाँ है, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। गामा ए को क्या कहते हैं, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, सब वास्तविक क्या होगा, आभासी प्रसार गुणांक। गामा जी को क्या कहते हैं, गामा जी को बताओ क्या कहते हैं, जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, कांच का ये कांच का ये क्या है, ग्लास है, तो गामा जी होता है, तो इसको कांच में, कांच का मतलब बर्तन, बर्तन में प्रसार। तो लिख लो जहाँ गामा आर क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पे रुके हैं चिड़िया है ना, तो बुला दो थोड़ा चिड़िया से बतिया तो रखा दे गामा जी लिख लो कांच का, रचनिया लगा क्या करते हो, जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, आर का मतलब होता है रियल, रियल का मतलब होता है फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए अब छोड़ दे रहे हैं आपको, ठीक है टाइम ज़्यादा हो गया।